दिस इज द अमरेश ने 12 ऑफ अमरेश हर्ष अकेडमी, यूनिट इज 5, अल्टरनेटिंग करेंट, एंड यू नो चैप्टर नंबर 13, अल्टरनेटिंग करेंट्स, एंड यू नो दिस इज द लेक्चर नंबर 1. माय नेम इज अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष. टुडे आई विल डिस्कस टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर अल्टरनेटिंग करेंट क्या होता है. मैंने एक स्टोरी आप लोगों को सुनाया था, ठीक है, उस लड़के के बारे में. मैंने बताया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ करेंट. वो जीत पे आ गया था, नहीं सर, 2 ही तरह के करंट होते हैं, ठीक है. लेकिन मैंने बताया था 4 टाइप्स के करंट होते हैं. एक को कहते हैं डीसी, दूसरे को कहते हैं क्या बताओ, एसी, वीसी एंड टीसी. डीसी मींस डायरेक्ट करंट, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, वीसी मींस वेरिएबल करंट और टीसी मींस ट्रांसिएंट करंट. तो आज ये जो चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट पे. फिर सेकेंड जानेंगे कि ट्रांसिएंट करंट किसको कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर. जब इंडक्टर में आप करंट पास कराते हो ना, तो उसमें धीरे धीरे करंट बढ़ता है या धीरे धीरे कम होता जाता है. लेकिन ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है डायरेक्ट क्वेश्चन से, फॉर्मूला सिर्फ बता दूंगा. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर. किसी कैपेसिटर को अगर चार्ज या डिस्चार्ज आप कर रहे हैं, ठीक है, तुमको अगर सर अगर नहीं पढ़ाना था तो ये लिख कट क्यों कर दिया, हटा देते इस टॉपिक को, हम लोग पता भी क्या चलता. मैं बता देता हूं, सिलेबस से इसका डेरिवेशन वगैरह सब हटाया गया है, फॉर्मूला इसका नहीं हटाया गया है, तो फॉर्मूला लर्न रखना है, ठीक है. फिर जानेंगे कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है. रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू जो पढ़ते थे आप लोग, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है. अगर किसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है, तब क्या होगा, उसकी करंट कितनी होगी, वोल्टेज कितनी होगी, ये सब सारी बातें जानेंगे. अगर किसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है, इंडक्टर लगा हुआ है, तब क्या होगा. अगर एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, या एक ऐसा सर्किट है जिसमें तीनों लगा हुआ है, आरएलसी सर्किट उसको बोलते हैं. इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, एलसी ऑसिलेशन क्या है, रेजोनेंस क्या होती है, क्यू फैक्टर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होते हैं, पावर क्या होता है, एवरेज पावर कैसे निकलेंगे, और रियल रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर में डिफरेंस कैसे हम लोग कर सकते हैं, और एसी का क्यों यूज हम लोग ज्यादा करने लगे हैं. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है. एक टीचर थे और उनका एक स्टूडेंट था. उन दोनों में ही टीचर जो थे ना, उन्होंने डीसी का इन्वेंट किया था. मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखता हूं, ठीक है. इसको इसको करंट वॉर भी कहा जाता है. जब गूगल करोगे ना करंट वॉर, तो तुमको मिलेगा उनके बारे में. तो उन्होंने क्या किया था, पहले डीसी सारे बच्चे बच्चे जैसे सपोज करो, मैं मान लो डीसी मैंने इन्वेंट कर दिया और तुम लोगों सबको पढ़ा दिया मैंने कि भाई फिजिक्स में ये होता है वो होता है. एक बच्चे हमारा धुरंधर निकल गया, उसने जो है एसी का इन्वेंट कर लिया. बोला सर आप जो पढ़ा रहे थे पुराने जमाने की बात है, अब डीसी में सर करंट हम लोग दूर नहीं भेज सकते हैं. अगर मैं तो ऐसे भाई इन्वेंट करेगा मैं तो उसको जाके फ्लावर लाके गिफ्ट करूंगा. लेकिन सपोज करो कि अगर मैं ईगो वाला रहता तो मैं क्या करता, अच्छा जी तुम हमसे आगे बढ़ गया तुम ऐसे, क्योंकि डीसी जानते उस समय पुराने जमाने में डीसी का पूरा चलता था, हर जगह बैटरी वाला लगा रहा था, डीसी करंट, डीसी फैन, डीसी फ्रिज वगैरह बहुत कुछ होता था पहले. जैसे एसी आया उसने डीसी के पूरा साम्राज्य को खत्म कर दिया, ठीक है. थॉम्स, मैं बता देता हूं थोड़ा सा, नाम नहीं बता रहा जा रहा, थॉम्सन और टेस्ला यही दोनों थे. ये थॉम्सन जी डीसी का ये किया था और टेस्ला जो है उन्होंने एसी का, और दोनों में फिर फाइट होने लगा, ठीक है. क्योंकि जो भी हम लोग इन्वेंट करते हैं फिर क्या करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. फिर जब दोनों में फाइट हुआ बाद में पता चला कि नहीं एसी ही ज्यादा बेहतर है, और हम लोग एसी, क्योंकि एसी हम लोग बहुत दूर तक भेज सकते हैं, उसमें करंट का लूज बहुत कम होगा. तो ये सब सारी बातें इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे कि एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एसी ओवर डीसी. लिखिए टॉपिक का नाम अल्टरनेटिंग करंट. मैंने आपको बताया भी था कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से होता है, इस तरह से जो सिनुसाइडल होता है, मतलब साइन के फंक्शन को फॉलो करता है, ठीक है. ये पहले जीरो से स्टार्ट होता है, मान लो जीरो करंट, अभी ये अचानक मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हुआ, फिर मिनिमम हो गया, फिर जीरो हुआ, फिर इसी तरह से रिपीट होता रहता है. तुम देख रही हो यहां जीरो से इसकी वैल्यू बढ़ रही है,
फिर वहां से इसकी वैल्यू घट रही है, फिर यहां अचानक पोलरिटी चेंज हो गया, अब इधर से उल्टा चलने लगा, ठीक है, यहां से इधर जो कहते हैं इसको कहते हैं पीरियोडिकली चेंज, इसका पीरियड चेंज हो गया है, ठीक है। तो कोई अगर पूछे कि एसी कैसा होता है, तुम बोलोगे एसी या तो सिनुसाइडल होता है या कोसाइडल होता है, या तो साइन का फंक्शन फॉलो करता है या कोस कोस का फंक्शन फॉलो करता है। डेफिनेशन क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन इज रिवर्स पीरियोडिकली, कुछ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, इधर से जा रहा है अभी उधर से होगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो एरोप्लेन से मेरे घर में करंट आता ही है, हमने जितना यूज किया कर दिया, फिर इधर से जाती भी है, ठीक है। तो इसी को एसी कहते हैं, मतलब करंट आ भी रहा होता है जा भी रहा होता है। नेहरू प्लेस वाला ये हमें नहीं बोल सकता है कि सिर्फ मैं करंट इसके घर में भेजता हूं, मैं बोलता हूं भाई बदले में देता हूं भाई, ठीक है। जैसे उसने करंट इस तरह दे दिया, फिर क्या होता है उसका रिवर्स हो जाता है, मतलब डायरेक्शन चेंज होता है, पोलरिटी चेंज हो जाती है। अब बहुत बच्चे ना इस फॉर्मूला को रट्टा मार लेते हैं, सर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, मैं तो टीचर से झगड़ पड़ा था सर ये कैसे। उन्होंने कहा या तो तुम बाहर या आग पीछे। मैंने कहा कोई बात नहीं है। अब बाद में उन्हीं के साथ फिर चेयर शेयर किया, बाद में मैं मेरे बगल में बैठे हुए, तो बोला मेरे बगल में बैठो यार तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बोले थे, हंसने लगे वो, ठीक है। मैंने कहा क्लास से तो बाहर ही करते रहते थे। अच्छा तो जब सक्सेस हो जाओगे ना तो क्या बोलेंगे पता है? मुझे तो पता था कि तुम बढ़ोगे आगे। मैंने कहा अच्छा जी, मैं तो ऐसे मुस्कुरा रहा था कुछ नहीं, असली बात है भाई टीचर ही है ना कॉलेज के प्रोफेसर, तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन समझ गया सर इतना अगर पता होता, ठीक है, और कितने ऐसे हो गए जो भटक गए होंगे। चलिए मुझे जीत थी, मैं यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। चलिए ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपने किसी से भी पूछना कि सर ये कैसे, तो मैं बताता हूँ। देखो करंट जो होता है ये मैक्सिमम होता है, ये यहां पे देखो मैक्सिमम है, इसको एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। मैक्सिमम करंट जब किसी पॉइंट पर होता है तो जैसे यहां पे जो मैक्सिमम होता है ना इसको आई नॉट बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आई नॉट। तो किसी ट्रायंगल में मैक्सिमम हाइपोटेन्यूज होता है तो उसको मैं आई नॉट बोल सकता हूं, यस और नो? अब अगर मुझे साइन का ग्राफ है, ठीक है, किसका ग्राफ है ये? साइन का ग्राफ है, तो यहां पे एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया आई, मतलब आई मीन्स करंट एट एनी इंस्टेंट, ये कहने का मतलब है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो गया जनाब? आई नॉट साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी होता है, तो मैं आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? आई नॉट साइन ओमेगा टी, यस और नो? कहने का मतलब क्या है? ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो एसी का, उसी का ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब तुमको कहे सर कॉस अगर होता तब मैं आई को यहां नहीं लिखता, तब यहां पे कर देता, यानी तो एंगल उठा के उधर कर देता, ठीक है, या तो दोनों में किसी एक चीज को, या तो आई को बेस में ले लो या थीटा को वहां पे ले लो, उसको कोसाइडल कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है आइदर सिनुसाइडल और कोसाइडल, टेंजेंशियल नहीं होता वो, क्योंकि टेंजेंट की तरह का ग्राफ नहीं बनाता है ये। तो यू नो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा इक्वल टू अगर एक सर्कल है तो 2π/T, और 1/T को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ लिखते हैं या न्यू लिखा जाता है, तब हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/T। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग करेंट। अब तुम पूछोगी मेरे से सर आई क्या है यहां पे, तो मैंने क्या बोला? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट। आई नॉट क्या है? द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, इसी को एम्पलीट्यूड ऑफ एसी कहा जाता है, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। नाउ यू कैन से दैट दिस इज द सिनुसाइडल करेंट,
सिनुसोइडल एसी, और ये भी सिनुसोइडल एसी है लेकिन दोनों में चेंज है। इस वाले में देखो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यस और नो? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हम लोग जो इंडिया में है ना 25 हर्ज फ्रीक्वेंसी का करंट यूज करते हैं, मतलब एक सेकेंड में 25 बार साइकिल इस तरह से बनता है, इस तरह से 25 बार साइकिल बनता है, हम लोग ऐसा वाला करंट यूज करते हैं। यूएस में जो है वो 30 हर्ज का यूज किया जाता है और कुछ कुछ जगह तो 60 हर्ज का यूज करते हैं। इसका फायदा ये होता है जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट आप अगर यूज करेंगे वहां पे करंट में फ्लक्चुएशन कम होता है। हाँ, खर्च ज्यादा बढ़ता है और लॉस ज्यादा होती है, वो अलग बात है। नाउ अब इसी तरह अगर मुझे अल्टरनेटिंग ईएमएफ निकालना हो, ठीक है, तो ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, तो ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कोसवेडल है तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यस और नो? अगर किसी सर्किट में मान लो सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है तो उसका वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर मान लो कैपेसिटर लगा हुआ है तो I इक्वल टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। प्रूव करके भी दिखा देता हूं। I इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू वी। सी इज कॉन्स्टेंट तो सी इंटू डी वी बाई डी टी। नेक्स्ट, वॉट इज द ट्रांसियंट करेंट? मैंने कहा था थंडरिंग में जो होता है वो ट्रांसियंट करेंट यूज होता है, या बाइक या कार जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर में यही ट्रांसियंट करेंट होता है, ठीक है। या घर में ट्यूबलाइट जब जलाते हैं आप लोग, पुराने जमाने के ट्यूबलाइट देखते हैं, वो जब प्लस माइनस स्पार्क कराते होंगे तब वो जलना स्टार्ट होता था, तो वो ट्रांसियंट करेंट हम लोग डेवलप कर रहे होते थे। ऐसा करेंट जो बहुत कम टाइम में बहुत जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक ग्रो हो जाए, या मैक्सिमम से अचानक जीरो हो जाए, ऐसे करंट को ट्रांसिएंट करंट कहते हैं। तो घर में हम लोग जो ये जांच कर सकते हैं कि थंडरिंग में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसिएंट करंट होता है। चौक क्वाइल में भी इसी तरह का होता है। चौक क्वाइल जो होता है वही स्टार्टर जिसको कहते हैं। ये सब में ट्रांसिएंट करंट प्रोड्यूस होते हैं। न्यू टॉपिक लिखिए, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास एसी है, अच्छा अगर इसका जितना एरिया होगा उसका उतना ही एरिया इसका भी होगा, यस और नो? अगर ये ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, दोनों को ऐड कर देंगे जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अगर मुझे कभी भी टोटल करंट निकालना हो तो हमेशा जीरो देगा वैल्यू, तो ये निकालना ठीक रहेगा क्या? हम लोग क्या करेंगे, इस आधे वाले पार्ट का निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे, अपने आप पता लग जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो व्हाट इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? तो किसी भी एसी का हम लोग टी बाय टू टाइम में जितना करंट होता है या चार्ज होता है उससे करंट निकाल लेते हैं, वही मीन या एवरेज वैल्यू देता है, क्योंकि अदरवाइज तो पूरा टी में निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो डेफिनेशन पढ़ के सुनाइए, व्हाट इज द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी? द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एन हाफ ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू अ सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल टी बाय टू एज इज Send by the AC through the same circuit in the same time. इसको याद रखने का तरीका यह है कि same value of same amount of charge, ठीक है, for a same time of half cycle. बस यही तीन वर्ड याद रखना है, उसी को mean या average value of alternating current कहते हैं। बहुत बच्चे इसका definition नहीं बोल पाते हैं, तो एकदम समझ लो कि same amount of charge through a circuit in same time for half interval. हाफ साइकिल करके देखते हैं। आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। डी क्यू इज इक्वल टू क्या जानती हो? आई डी टी। मुझे क्यू निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक? जीरो से लेकर टी बाय टू तक, यस और नो?
अब आई के जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू नो दिस इज द आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू टी बाय टू, आई नॉट इज कॉन्स्टेंट, तो ये आउट हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। और ओमेगा टी का क्या होता है? ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ओमेगा, पता है या नहीं पता है? मैं लिखवा देता हूं फिर से, यहां पे साइड में कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस ए थीटा सॉरी, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए थीटा, सो यू कैन से दैट माइनस कॉस ए थीटा अपॉन ए, यस और नो? अब हायर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। अब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिख सकते हैं? कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी बाय टू, टी के जगह में टी बाय टू डाला और एक बार जीरो डाल देंगे, माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो, ठीक है? यू नो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? टू पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टी और टी कट, टू और टू कट, तो यहां क्या बचा? कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस वन एंड कॉस जीरो इक्वल टू ऑल्सो वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, यस और नो? सो यू कैन से दैट क्यू इज हियर टू आई नॉट अपॉन ओमेगा। अगर सपोज करो आई एम जो है वो अगर मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, देन आई कैन से दैट क्यू इज इक्वल टू आई मीन इन टू टी बाय टू, यू नो दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम इक्वेशन टू नहीं सेकेंड लिखा मैंने, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो आई एम इन टू टी बाय टू इज इक्वल टू टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, यस और नो? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आई एम टी बाय टू इसको अगली साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई एम इन टू टी बाय टू इज इक्वल टू टू आई नॉट अपॉन ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? टू पाई अपॉन टी, टी एंड टी इज कट, टी टू एंड टू इज कट, सो आई एम इज इक्वल टू टू आई नॉट अपॉन पाई, टू अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0.637, सो देयर इज अ फॉर्मूला, आई एम इज इक्वल टू टू आई नॉट अपॉन पाई विच इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। तो कहने का मतलब है कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ पॉजिटिव साइकिल इज 0.63 टाइम्स 37 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ एसी, मतलब 63.7%। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहां से यहां करंट मान लो 100% है, ठीक है, तो अगर इसका सबका एवरेज निकालोगी, मीन निकालोगी, तो वो कितना होगा? 63.7% ही होगा। अब तुमने कहा पॉजिटिव साइकिल में मतलब 63.7% मीन 0.637 आई नॉट, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? माइनस, दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया? जीरो। तो ओवरऑल कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, लेकिन हाफ साइकिल में क्या होता है? दैट इज द 63.7 इंटू आई नॉट। नाउ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेम उसी तरह से, ई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? टू अपॉन पाई इंटू ई नॉट, बोलते चलो 0.637 इंटू ई नॉट, 63.7% ऑफ ई नॉट, यस और नो? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ ओवर द फुल साइकिल कितना होगा? जीरो। पढ़ के सुनाइए। Note that ordinary DC ammeter and DC voltmeter cannot measure alternating currents voltage. They record zero reading,
when used in AC circuits because average value of alternating current voltage over full cycle is zero. क्लियर है मेरी बात है? अगर कभी ऑर्डिनरी डीसी अमीटर या डीसी वोल्ट मीटर से करंट या वोल्टेज मेजर करने लोगोगे तो वो हमेशा वैल्यू क्या देगा? जीरो देगा। क्यों जीरो देगा भी? भाई क्योंकि वो एवरेज को काउंट करने लगेगा। नेक्स्ट न्यू टॉपिक लिखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर मुझे आरएमएस वैल्यू निकालना है तो पहले डेफिनेशन में क्या बताया था? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यहां क्या याद रखना? सेम अमाउंट ऑफ हीट, बस बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम डन बाय द एसी व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। इसमें हाफ टाइम नहीं होता है, इसमें फुल टाइम लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई बी इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, इसी को 0.707 आई नॉट कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी उसी तरह से करते हैं, डीएच निकाल लिया, हीट निकाल लिया, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, और सॉल्व कर लोगे तो आंसर इतना आ जाएगा। तो लिख लीजिए, आई वी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। क्लियर है? सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो क्या होगा? ईवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.707 ऑफ आई नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ के सुनाइए। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज आर मेजर्ड बाय एसी अमीटर वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली, दे आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे मेजर ओनली वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स वोल्टेज। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट कोटेड एनीवेयर आर वर्चुअल वैल्यूज ओनली। हाँ देखो, जब भी कहीं आई वी लिखा रहे तो समझ जाओ कि वो आई आर एम एस की बात कर रहा है, इसका मतलब आई नॉट बाय रूट टू की बात कर रहा है। ठीक है, इसी इसको जब भी मेजर किया जाता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के सुनाइए। द इक्वेशन ऑफ एसी इन अ सर्किट इज आई इक्वल्स टू 50 sin 100 पाई टी, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर। देखो बहुत इजी है, आई इक्वल टू क्या दे रखा है? 50 sin 100 पाई टी, यस और नो? इसको कंपेयर कर दीजिए, आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कंपेयर कीजिए, या इसी को हम लोग और देखो, या फ्रीक्वेंसी वगैरह दिया हुआ है तो इसको इससे कंपेयर करो, आई नॉट साइन 2π nu t। हाँ क्योंकि पाई है ना, इसीलिए इससे कंपेयर करना पड़ेगा इस वाले पार्ट से। तो आप कंपेयर करके करके बताइए मुझे, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो पहले कंपेयर कीजिए, 2π nu = 100π, पाई पाई कट, न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, यस और नो? आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 50 एम्पियर, लेकिन कह रहा है मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? आई एवरेज, वही तो मीन होता है ना, आई एम उसी को कहते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है? 0.637 इंटू आई नॉट, दैट इज द 50। सॉल्व कर लीजिए, 7 by 35, 6 by 30 plus 7, 30 plus 1, 31, 31.8 एम्पियर। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, तो आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला अभी बताया था मैंने? 0.707 इंटू आई नॉट, तो दैट इज द 0.707 इंटू 50, आंसर इज 35.35। फिर कह रहे थे वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज जीरो। नाउ सो यू नो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, दैट इज 100π इंटू 1/300, 0 0 कट 0 0 कट, सो यू कैन से 50 sin π/3। पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है? 60 sin 60 की वैल्यू √3/2, या इसी को 0.866 भी बोलते हैं, तो 50 × 0.866 कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा 43.3 एम्पियर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी वन. देखो 220 वोल्ट एसी कहीं पे है, 220 वोल्ट डीसी है, बताइए कौन डेंजरस होता है? एक बच्चे ने कहा सर 220 वोल्ट एसी डेंजरस होता है, डीसी तो करंट ही नहीं मारता है, झटका ही नहीं मारता है। बहुत लोगों को बोलते सुना होगा आपने, सर बैटरी का दोनों दोनों डंडा मैंने छू लिया, हमको तो करंट लगा ही नहीं। लेकिन सर एसी में तो जहां थोड़ा सा भी टच करते हैं तो हम लोगों को फिर बता देता है वो क्या चीज है। लेकिन नहीं, डीसी भी झटका मारता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जानते हो कभी कभी ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे, देखें आपने देखा होगा कभी वीडियो वगैरह कि ट्रेन के ऊपर पे चढ़ गया था जिसके कारण झटके के कारण वो मर जाता आदमी। डीसी बहुत डेंजरस होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है उसकी। अगर सेम वैल्यू ऑफ एसी और डीसी है तो एसी ज्यादा डेंजरस होगा। तो तुम मेरे से पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 220 वोल्ट एसी हैज अ पीक वैल्यू, आई नॉट इसकी कितनी होगी, पीक वैल्यू को ही आई नॉट बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा आई वी इंटू रूट टू, तो इसका मतलब 220 इंटू रूट टू इज इक्वल टू 311 वोल्ट, यस और नो? तो 220 वोल्ट एसी जो है उसकी पीक वैल्यू कितनी होती है, 311 वोल्ट होती है। लेकिन 220 वोल्ट डीसी की जो पीक वैल्यू होती है वो तो सेम होती है। अब बताओ कौन सा ज्यादा बड़ा है? तो ऑब्वियसली 311 वोल्ट इज ग्रेटर देन द 220 वोल्ट, सो यू कैन से दैट 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी, यस और नो? टॉपिक इज फेजर्स एंड फेजर डायग्राम, ठीक है? देखो उसमें जो टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एसी सोर्स आपके पास है जी और ये एक एसी सर्किट है, यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? अगर इसमें एसी सोर्स का ईएमएफ ई है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर रेजिस्टेंस हम लोग यहां पे लगा देते हैं तो उस सर्किट में कितना करंट पास होगा, ये क्वेश्चन है। तो यू नो लेट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी कनेक्टेड टू अ प्योर रेजिस्टेंस आर, देन यू नो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यस और नो? ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और ई नॉट अपॉन आर को ही क्या कहते हैं पता है, आई नॉट, सो आई इज इक्वल टू यू नो आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। अब आई नॉट को ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कहा जाता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट। कहने का मतलब यह है कि जितना भी ईएमएफ है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास उस सर्किट में करंट आ जाएगा। इस सर्किट को कहते हैं, ये सर्किट डायग्राम है, इसको वेव डायग्राम कहते हैं, और ये है फेजर डायग्राम, दिस वन इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, जिसमें हम लोग फेज वगैरह भी लिखते हैं उसको फेजर डायग्राम कहते हैं, और ये इसको वेव डायग्राम कहा जाता है, ठीक है? देखो अगर E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी तो ऑब्वियसली ये हो गया, और करंट जो है वो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पे आता है, ठीक है? जब डिवाइड करने पे आता है माना उससे कम हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, I हो गया, आई का ग्राफ ये वाला हो गया, माना वो ईएमएफ से उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी। इसी तरह से देखिए, अगर सपोज कीजिए ये ई नॉट है, यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये भी ऑब्वियसली एंगल थीटा होगा, ठीक है? तो ई नॉट अगर है तो ये वाला हो गया ई नॉट कॉस थीटा, तो यहां से यहां क्या लिख देंगे, ई नॉट साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल ओमेगा टी, सो ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो करंट, ईएमएफ को जब डिवाइड कर दिया तो करंट आ जाएगा आई नॉट, यू नो दिस इज द आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहां से यहां क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी से आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू कम होगी, लेस होगी।
एंड दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम, जिसमें फेज वगैरह दिखा रहे हैं हम लोग, एंगल वगैरह दिखा रहे हैं, करंट दिखा रहे हैं, इसीलिए इसको फेजर डायग्राम कहते हैं। एसी सर्किट, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, एक ऐसा सर्किट है एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर सिर्फ लगाया आपने, ये इंडक्टर होता है। देखो ये रेजिस्टेंस इस तरह से बनाते हैं हम लोग, इंडक्टर इस तरह से गोल गोल करके बनाते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास ये इंडक्टर आपने एक सर्किट में रखा है और ये एसी सोर्स है, दिस इज द सिंबल फॉर एसी सोर्स, ठीक है, और जिसमें एक प्योर इंडक्टर है, मतलब प्योर इंडक्टर है कहने का मतलब क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। सो यू नो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यस और नो? अब अगर इंडक्टर हम लोग लगाते हैं तो उसमें ईएमएफ कितना हो जाता है, तो ईएमएफ उसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपोजिट साइन का होता है, तो क्या लिखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू इंडक्टर, ड्यू टू इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, क्योंकि ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाइ इक्वल टू एल आई, तो क्या लिखेंगे, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो जब इस सर्किट में कंटेंट को मेंटेन रखना है तो ऑब्वियसली उस अपोजिट को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यस और नो? माइनस माइनस प्लस, एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी आई इज इक्वल टू इसको इधर लेते आइए, E not upon L sin omega t dt। मुझे टोटल करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ di is equal to E not L into sin omega t dt, ठीक है, रुक जाइएगा मैं प्रॉपर लिख देता हूं। सो यू कैन से दैट E not L sin omega t dt। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या हो गया, जीरो टू आई, मैंने डायरेक्ट में आई लिखता हूँ, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कितना देर तक पास हो रहा है या क्या लिमिट है, टाइम का क्या लिमिट है कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आई लिख दिया। ई नॉट बाय एल कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, यस और नो? प्लस सी, इसमें जब सॉल्व करते हैं तो प्लस सी होता है, लेकिन उस सी को जीरो कर देते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे जो है वो जीरो होता है, तो ई नॉट अपॉन एल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, सो आई कैन राइट माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, सो माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, यस और नो? तो अब देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि माइनस कॉमन लिया मैंने, तो आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है। तुम देख रही हो यहां पे माइनस पाई बाय टू है, इसका मतलब है कि जब करंट की वैल्यू होगी वो ईएमएफ से पाई बाय टू कम हो जाता है, मतलब फेज चेंज हो जाता है, लैग हो जाता है, इसको क्या कहेंगे कि करंट, मतलब फेज ऑफ करंट लैग्स बिहाइंड, फेज ऑफ करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स क्यों, क्योंकि माइनस है इसलिए, लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय टू, मतलब पाई बाय टू से कम हो जाता है। पहले वेव डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये ईएमएफ है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, पाई बाय टू कम हो गया, मतलब कॉस का ग्राफ बनने लगेगा, तो यहां से कॉस का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। अब ई ई नॉट इज इक्वल टू दिस, यहां थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, ओमेगा टी जिसको कहते हैं, ये क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुमने कहा कि फेज क्या हो गया, पाई बाय टू हो जाता है, मतलब पाई बाय टू, मतलब 90 डिग्री से लैग कर जाता है, मतलब लेफ्ट साइड हो गया नेगेटिव एंगल। अब ये क्या हो गया, ई नॉट, ये एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी, क्लियर है? इसको पहले फिगर बनाइए और डेरिवेशन को करके देखिए पहले, फिर आगे बढ़िए। नाउ इसमें देखो एक चीज और बता देता हूं मैं,
आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है, तो इसको हम लोग आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसी को आई नॉट अपॉन एक्सएल बोला जाता है। ठीक है, एक्सएल मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, विच इज द फॉर्मूला इज ओमेगा इनटू एल। क्लियर? तो अगर कोई पूछे कि रेजिस्टेंस क्या है तो तुम बोलोगे आर, एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, एक्सी क्या है आगे मैं बताऊंगा। न्यू टॉपिक लिखिए, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस। एक चीज और भी बताने का मन कर रहा है मुझे, देखो अगर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2π/T, मतलब 2π ν L। अगर डीसी सर्किट है, फॉर डीसी सर्किट फ्रीक्वेंसी इज जीरो, इसका मतलब एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी सर्किट मतलब डीसी सर्किट होता है तो उसमें जो इंडक्टर होता है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर, रेजिस्टेंस को जीरो कर देता है। ठीक है, तो इंडक्टर में, डीसी सर्किट में इंडक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं बताना चाह रहा हूं। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ये आपके पास एक कैपेसिटेंस है, ये आपके पास एसी सोर्स है। ठीक है, तो लेट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ओनली ऑफ कैपेसिटेंस सी, देन यू नो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यस और नो? यस। पोटेंशियल वी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, विच इज द ईएमएफ, विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट यू नो करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यस और नो? सो आई इज इक्वल टू, आई कैन राइट हियर ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तुमको क्यों सर पाई बाय टू माइनस साइन ओमेगा टी नहीं लिख सकते क्या, फॉर्मूला तो होता है लेकिन ऑलरेडी इंडक्टर में हम लोगों ने माइनस वाला ले लिया है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इसमें भी और फिजिकली जो है यहाँ पे इसी तरह से बिहेव करता है, इसीलिए तो यू नो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब अगर करंट मैक्सिमम है तो व्हेन आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू क्या हो गया, मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू इज इक्वल टू मैक्सिमम विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो आई इज इक्वल आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, इसी को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन एक्स सी, इसी को कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहते हैं। यस और नो? एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन ओमेगा सी, इसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो अब फॉर्मूला बताओ, आई इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इसका मतलब है कि इसमें फेज बढ़ जाता है, लीड कर जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, करंट विल लीड बाय फेज पाई बाय टू, करंट विल लीड बाय फेज पाई बाय टू। यस और नो? ठीक है, अब फेजर डायग्राम में देख लेते हैं और इसमें वेव डायग्राम में देखो, वेव डायग्राम ये है, ई का ग्राफ है, आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये आई बढ़ गया, पाई बाय टू से बढ़ गया ऊपर की ओर। इसी तरह देखिए, ई नॉट है, पाई बाय टू एंगल से बढ़ गया, लीड कर गया, तो यू नो दिस इज द आई नॉट। क्लियर? तो यू नो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, एंड यू नो एक्ससी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई न्यू, तो एक्ससी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई न्यू सी। अब अगर तुम कहो कि सर डीसी सर्किट अगर है, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, तो एक्ससी इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर लगाने पे डीसी ब्लॉक कर देता है। मैं क्या लिखूंगा, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी, ब्लॉक डीसी।
तुमको कहे सर इसका मतलब समझाइए। अगर मान लो तुमने बैटरी से किसी कैपेसिटर को जोड़ देगी तो क्या करेगा बैटरी कैपेसिटर, क्या करेगा सारा बैटरी को का चार्ज को अपने अंदर रख लेगा, ठीक है, तो मतलब ब्लॉक कर देता है, वो आगे जाने नहीं देता है, यही मैं बताना चाह रहा था। नाउ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, मतलब आरएलसी सर्किट आपके पास है, मतलब एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर इंडक्टर है और एक आइडियल कैपेसिटर है, ठीक है, तो और यहां पे एसी सोर्स है आपको पता है, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप करेगा वी आर, इंडक्टर पे कितना करेगा वी एल, कैपेसिटर पे कितना करेगा वी सी, करंट रेजिस्टेंस से कितना पास करेगा आई, ठीक है, और आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इंडक्टर में क्या होगा, करंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लैग बिहाइंड हो जाएगी, देखो वोल्टेज ऊपर है तो नीचे करंट आ गया, मतलब लैग बिहाइंड, इसको कहते हैं लैग बिहाइंड। और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट की वैल्यू लीड कर जाती है, ठीक है, लीड्स ऐसे बोलते हैं। तो यू नो आई कैन से दैट वी आर इज इक्वल टू, मतलब वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई नॉट इन टू आर। अब तुम मेरे से पूछो सर वोल्टेज कब वेक्टर क्वांटिटी हो गया जो आप एरो साइन लगा दिए, वोल्टेज में एरो साइन इसलिए लगा रहा हूं मैं कि इसकी फेज की भी बात कर रहा हूं, इसीलिए सेम फेज होता है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। यहां भी वेक्टर साइन इसलिए लगा रहे हैं इसमें क्योंकि वेक्टर साइन का मतलब होता है कि उसी के थ्रू पास हो रहा है, तो वी एल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, आई नॉट इंटू एक्स एल, ठीक है, वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी, यस और नो। अब इसको एक डायग्राम में देखिएगा और समझना इसको अच्छा से, ओ ए जो है ये क्या है वी आर है, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू ऑन रेजिस्टर, वी एल क्या है वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंडक्टर, ओ से लेकर बी तक जो है वो ओ से बी तक वी एल है, ध्यान देना, और कैपेसिटर क्या होता है ओ सी, ठीक है, तो ओ टू सी वी सी, देखो यही वाला फिगर हमने यहां बनाया, देखो वी एल ऊपर चला गया वी सी नीचे आ गया, ठीक है, अब वी सी का जितना लेंथ है ना उसको उठा के वी एल के ऊपर में रख दो, मतलब यहां देखो ये वाला, ये मतलब यहां देखिए एक्चुअल में ओसी जो था वो क्या था वीसी था, और हमने बी से बी डैश लिख दिया, मतलब बी डैश बी जो लिखा वो क्या हो गया माइनस वीसी, क्योंकि देखो नीचे था इसको उठा के हमने ऊपर रख दिया, तो ये जो बीच वाला पार्ट बचा टोटल वीएल था और ऊपर वीसी हटा दिया माइनस वीसी हो गया, तो बचा क्या वीएल माइनस वीसी, तो ओ से बी तक जो होगा वही ए से के तक होगा, उसी को मैं वीएल माइनस वीसी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, yes. समझ आया या नहीं आया, वंस मोर फिर से ध्यान दीजिएगा, ओबी क्या है वीएल, ओसी क्या है वीसी, ओसी को उल्टाया और बी और बी डैश के इक्वल कर दिया, ये देखो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बचा क्या ओबी क्या हो गया वीएल माइनस वीसी। अब अगर देखो ये वीएल माइनस वीसी परपेंडिकुलर है और ये ओ से के तक जो है ई नॉट है, मतलब ईएमएफ है, और यहां एंगल हमारे पास फाई एंगल बन रहा है, तो रिजल्टेंट ओके अगर मुझे निकालना है ईएमएफ निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी डैश स्क्वायर, यस और नो। अब ओके कितना है ई नॉट, ओ ए कितना है वी आर, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, यस और नो। अब ई नॉट इन इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई नॉट इन टू आर होल स्क्वायर, वी एल इज इक्वल टू क्या होता था आई नॉट इन टू एक्स एल, वी सी क्या होता था आई नॉट माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, आई नॉट कॉमन स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और रूट के बाहर कर दीजिए, तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, यस और नो। अब आई नॉट को इधर कर देते हैं, तो ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, इसी को जेड कहते हैं, देखो ई एम एफ अपॉन करेंट,
एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस देखो यहाँ अकेला रेजिस्टेंस थोड़ी है, यहाँ पे तीन है, रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, कंडक्टर कैपेसिटर भी है, तो इसीलिए जेड को इम्पीडेंस कहते हैं। तुमको सर इम्पीडेंस का मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरएलसी सर्किट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस, द डेफिनेशन ऑफ इम्पीडेंस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, यस और नो? तो अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, Z इज इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट अपॉन I नॉट अंडर रूट एक्स आर, मतलब आर स्क्वायर, एक्स आर भी कुछ लोग लिखते हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अब अगर तुम कहोगे सर इसको मुझे ना रिजल्टेंट एंगल देखना है, ये तो आपने सिर्फ उसकी वैल्यू बता दी, ठीक है, ओके की वैल्यू आपने निकाला था, ठीक है, यहां देखो ओके का वैल्यू हमने निकाला था, ईएमएफ था, इससे हमने जेड को डेराइव किया, जेड इक्वल टू हमने ये भी सीख लिया कि ई नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे फेज देखें, फाई अगर है तो टेन फाई इज इक्वल टू रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट फेज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, यस और नो? तो आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी अपॉन आई नॉट इंटू आर, आई नॉट कॉमन लेके हटा दीजिए, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, सो आई कैन से दैट टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स एल माइनस, सो यू नो टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब बहुत सारे केसेस अराइज हो सकते हैं, पूछो कैसे, अगर एक्सएल और एक्स सी आपस में इक्वल हो जाए तब क्या लिखेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी मतलब जीरो अपॉन आर, तो जीरो अपॉन आर जीरो, सो यू कैन से फाई इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। जब एक्सएल और एक्स सी आपस में इक्वल हो जाएगा तो फाई जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एंड करेंट आर इन द सेम फेज, ठीक है, तो एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, ये सर्किट जो है नॉन इंडक्टिव सर्किट कहलाता है, इसमें इंडक्शन वगैरह नहीं होता है। सेकंड नंबर, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल में जब एक्ससी को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर को जब रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब टेन फाइव भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल फाइव, इसको इंडक्टिव इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहते हैं, क्योंकि एक्सएल बड़ा है ना, जो बड़ा है उसी का डोमिनेशन चलता है ना, तो एसी सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्ससी तब क्या होगा, टेन फाइव इज नेगेटिव, इसका मतलब phi negative, इसका मतलब voltage lags behind the current by a phase angle phi. The AC circuit is capacitance dominated circuit. Now, new topic लिखिए, impedance triangle. आपको पता है कि Z को ही impedance कहते हैं, ये total resistance offered by the RLC circuit means the total effective resistance offered by the RLC circuit is called impedance. तो ये आपको पता है, बड़ा साइड हमेशा जो impedance से denote कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, बेस में R लिख दीजिए, XL minus XC में perpendicular लिख दो, अब जरा चेक करो, tan phi is equal to perpendicular upon base, XL minus XC upon R, हुआ या नहीं हुआ? Yes. चेक कर लीजिए, z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देखो फॉर्मूला प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो यू नो द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस ऑफ द एसी सर्किट, रिएक्टेंस का उल्टा को ससेप्टेंस कहते हैं।
रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल एडमिटेंस, ये सब नाम है ठीक है। बोथ ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस आर मेजर्ड इन महो या सीमेन में यूज करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रेजिस्टेंस का जब ओम में मेजर करते हैं तो ओम का उल्टा क्या होता है, महो होता है, सीमेन होता है। न्यू टॉपिक लिखिए, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो पूरा डराइव करके दिखाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। पूछो क्यों, क्योंकि देखो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, तो Z इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है जब RLC सर्किट होता है, तो E नॉट इंटू आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस तो है ही नहीं, तो XC इक्वल टू जीरो, तो बताइए Z का क्या फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तुमको अगर सर टेन फाइव निकालना हो तो निकाल लो, XL माइनस XC होता है, XC जीरो है तो क्या बचेगा, XL अपॉन आर आंसर। नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली, माने इस बार इंडक्टेंस नहीं है, इंडक्टर नहीं है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो माइनस XC का होल स्क्वायर, यस और नो, इज इक्वल टू यू कैन से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। टेन फाइव निकालना है तो क्या होगा, XL माइनस XC मतलब जीरो माइनस XC अपॉन आर, नेगेटिव ऑफ XC अपॉन आर, इसीलिए बहुत बार इसको नेगेटिव भी लिखा जाता है ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगी तो पॉजिटिव लिखोगी XC अपॉन आर, अदरवाइज माइनस XC अपॉन आर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, a pure inductor of 25 mH is connected to mH का मतलब है मिली हेनरी ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है 25 मिली हेनरी, दैट मींस 25 into 10 to the power minus 3 हेनरी। हाँ आगे, is connected to a source of 220 volt, find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. L इक्वल टू दिया हुआ है ठीक है, ई आर एम एस कितना दे रखा है 220 वोल्ट। देखो जब सोर्स का वोल्टेज दिया रहे तो उसको E20 माना ई आर एम एस समझना, फ्रीक्वेंसी F या न्यू भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 50 Hz। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है माना XL चाहिए, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 2πfL, यस और नो, 2 × 3.14 × 50 × 25 × 10⁻³। मेरे फास्ट कैलकुलेशन से आप लोग वाकिफ हैं, तो आंसर इज 7.85 ओम, आंसर क्लियर है। सिमिलरली आई आर एम एस इज इक्वल टू यू नो ई आर एम एस अपॉन XL, ई आर एम एस इज इक्वल टू 220, XL इज इक्वल टू 7.85, फिर से फास्ट कैलकुलेशन, दिस इज द 28.03 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.50 माइक्रो फराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 Hz सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, व्हाट happens to the capacitive reactance and the current. C is equal to 1.50 microfarad, that means 1.5 into 10 to the power minus 6 farad. ERMS 220 volt, frequency 50 hertz है. हमें क्या निकालना है? Capacitive reactance, XC. तो 1 upon 2 pi FC. ठीक है. तो 1 upon 2 into 3.14. Frequency की value कितनी है? 50. C की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, आफ्टर द कैलकुलेशन आंसर इज 212 ओम। नाउ आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन XC, यस और नो, इज इक्वल टू 220 अपॉन 212, आंसर इज 1.04 एम्पियर।
फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द करंट आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट। ठीक है, मतलब पीक निकालना है, आरएमएस तो निकाल लिया, पीक निकालना है। तो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, रूट टू टाइम्स ऑफ आई आरएमएस, तो 1.414 इंटू 1.04, आंसर इज 1.47 एम्पियर। इसीलिए मैं कैलकुलेशन कर करके रखता हूं जिससे टाइम बच्चों का बचा रहे। फिर कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द सर्किट। पहले सीखो अच्छा से, आई नॉट की वैल्यू प्लस 1.47 है, मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये आई नॉट होता है, ये कितना है जी प्लस 1.47, तो ऑब्वियसली ये माइनस आई नॉट क्या होगा, माइनस 1.47, माना करंट इसी के बीच में क्या होगा, घूमेगा। तो करंट इन द सर्किट ऑसिलेट्स बिटवीन द प्लस 1.47 एंड माइनस 1.47 एम्पियर एंड अहेड ऑफ ईएमएफ इज 90 डिग्री, यस और नो, एंड एफसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, होता ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे, मैं लिख देता हूं इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ठीक है, यू नो द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज हाफ, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज हाफ, यस और नो, और करंट क्या होगा, डबल हो जाएगा क्योंकि वो अगेन रेसिप्रोकल होता है, एंड करंट इज डबल्ड, यस और नो, फिर से समझिएगा, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर डबल किया, ठीक है, तो एक्ससी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ अपॉन एक्ससी, ठीक है, तो हाफ हुआ था उसका उल्टा कर दिया तो डबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंपेडेंस एंड द आरएमएस करंट इन द एसी सर्किट शोन इन द फिगर। देखो V इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 साइन 400 t, ठीक है, इसको कंपेयर कर लीजिए, V नॉट साइन ओमेगा टी, यस और नो, तो V नॉट इज इक्वल टू कितना है 200, ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है 400 रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, हमें एक्सएल चाहिए तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 400 एल, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है 0.1 हेनरी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40 ओम, यस और नो, अब जेड चाहिए हमें, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू यू नो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट 30 स्क्वायर, देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 ओम। नाउ वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू, तो 200 अपॉन रूट टू वोल्ट आंसर। सिमिलरली आई आर एम एस इज इक्वल टू तो वी आर एम एस अपॉन जेड, तुमको कहो सर जेड तो एक्चुअल में इंपीडेंस होता था जिसमें एक्सएल और एक्ससी दोनों होता था, अरे ये जो है ना आर माना आर एल सर्किट का जेड है, ऐसा बोल सकती हो, वो जेड जो था वो आर एल सी सर्किट का था। नाउ तो यू नो 200 अपॉन रूट टू इंटू 50 से इसको कट कर दीजिए, ठीक है, 4 अपॉन रूट टू क्या हो गया 2√2 एम्पियर आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए। A resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt 50 hazard AC source. Calculate the current in the circuit. Calculate voltage RMS across the resistor and the capacitor. Is the algebraic sum of these voltages are more than the source voltage? If yes, resolve the paradox. मैंने सारा कुछ लिख दिया, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वीआरएमएस और एफ इतना है। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है जी, ए नंबर कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, ठीक है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। देखो जब हमें करंट चाहिए तो हमें वोल्टेज भी चाहिए, वी आर एम एस चाहिए अपॉन जेड चाहिए,
जेड के लिए एक्ससी चाहिए, तो पहले एक्ससी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्ससी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ सी 1 अपॉन 2 इनटू 3.14, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50, सी का वैल्यू कितना है 15 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेशन बड़े हैं इसीलिए मैंने सॉल्व कर करके पहले रख लिया है भाई, 212.3 ओम। ठीक है, अब जेड चाहिए, जेड इज इक्वल टू यू नो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो अंडर रूट 200 स्क्वायर प्लस 212.3 होल स्क्वायर, आंसर इज 291.5 ओम। अब आई आर एम एस निकाल लीजिए, आई आर एम एस इज इक्वल टू यू नो वी आर एम एस अपॉन जेड, वी आर एम एस इज इक्वल टू 220, जेड इज इक्वल टू 291.5, आंसर इज 0.755 एम्पियर आंसर। क्लियर है? सेकेंड नंबर, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले वो निकाल लेते हैं, बी नंबर हियर, वी आर एम एस ड्यू टू रेजिस्टर, तो क्या लिखेंगे, आई आर एम एस इनटू रेजिस्टर, यस और नो? आई आर एम एस कितना था, 0.755, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 200। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 151 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज आर एम एस ड्यू टू द कैपेसिटर, सो आई कैन से आई आर एम एस इंटू एक्स सी, दैट इज द 0.755 इंटू 212.3 इज इक्वल टू 160.3 वोल्ट। क्वेश्चन इज हियर, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। पहले क्वेश्चन समझना, अब ये वी आर निकाल चुके हैं, वी सी निकाल चुके हैं हम लोग, दोनों को एड कर दीजिए। ठीक है, मैं लिखता हूं अलजेब्रिक सम ऑफ वी आर प्लस वी सी कितना हो गया, 151 प्लस 160.3, तो ऑब्वियसली 311.3 वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन द 220 वोल्ट जो सोर्स वोल्टेज है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, सोर्स वोल्टेज से ज्यादा कभी ऐसा होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो फिर तुम कहोगे सर तब तो गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है सर, रिजॉल्व द पैराडॉक्स, मैंने ये गलत जो आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता ना वी आर और वी सी के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है, तो डायरेक्ट आप सम क्यों कर रहे हैं। अगर आपको टोटल वी निकालना ही है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के कारण, तो आपको ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर करना है। तो अंडर रूट 151 का स्क्वायर प्लस 160.3 का होल स्क्वायर, देख लो आंसर इसका 220 वोल्ट ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें एंगल भी मैटर करता है। डिफरेंट एस्पेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ सिनुसोइडल एसी वोल्टेज सोर्स, आइडेंटिफाई द ग्राफ दैट corresponds to the omega is greater than 1 upon under root LC give region। क्वेश्चन ये है, पहले मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, देखिए ये वोल्टेज सोर्स है जी, ठीक है, और यहां पे क्या है कि एक करंट सोर्स हमने ले लिया, करंट का है, और एक ऐसा कर लेते हैं, ये किसके लिए हुआ, ये इंडक्टर के लिए हुआ, कैपेसिटर के लिए ले लेते हैं, ये वोल्टेज सोर्स हुआ और ये कैपेसिटर के लिए हो गया, यस और नो, समझी या नहीं समझी? देखो ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट है, यहां पे ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये किसके लिए है, इंडक्टर के लिए, इंडक्टर में फेज क्या हो जाता है, लैग कर जाता है, और कैपेसिटर में क्या होता है, फेज जो है वो लीड कर जाता है,
देखो लीड कर गया, पाई बाय टू ऊपर से आ रहा है, यस और नो? क्वेश्चन है, फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ सिनुसाइडल एसी वोल्टेज सोर्स आइडेंटिफाई ग्राफ दैट कॉरेस्पॉन्डेंट टू द ओमेगा इज ग्रेटर देन वन अपॉन रूट एलसी। मतलब इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में कौन सा ग्राफ सही है, किसके लिए? सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। पहले मेरी बात समझना बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ओमेगा इज ग्रेटर देन वन अपॉन रूट एलसी, यस और नो? एक्सएल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा एल। अगर एक्सएल लार्ज है तो एक्ससी को स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, इज स्मॉल, तो इसका मतलब सर्किट इज इंडक्टिव। सर्किट कैसा है? इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट, तो कौन सा ग्राफ होगा बोलो? ऑब्वियसली ए नंबर। तो ए नंबर इज योर फाइनल आंसर। नाउ लिखिए न्यू टॉपिक, एलसी ऑसिलेशंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारा सर्किट में क्या होता है कि करंट बढ़ता है घटता है, ठीक है? तो जिसमें करंट बढ़ घट रहा है उसको ऑसिलेटिंग सर्किट बोल सकते हैं। जैसे मान लो वाटर बेल आप लोगों का होता होगा घर में, जब मोटर चलाते होंगे पानी भर जाता होगा, ठीक है? और जब भर जाता है तो अपने आप ऑन हो जाता है, और उसमें बोलता रहता होगा कि आपके वो घर की टंकी जो है भर चुकी है, मोटर बंद कर दीजिए। वो रुक रुक के बोलता है, थोड़ा सा समझ में आए ऐसा बोलता है। उसमें देख रहे हो, कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशंस होता है। इसी तरह यहां भी एक ऐसा सर्किट है, ठीक है? अगर कोई पूछे तुमको, कहीं नॉर्मली पूछे कि एलसी ऑसिलेशन क्या है, मान लो आपके चाचा जी आए, उसने पूछा आज जो आपने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा उसका मीनिंग क्या है, टीचर ने क्या मीनिंग बताया? मेरे बाबूजी ने एक बार ऐसे ही क्या हुआ, ठीक है, कि हम लोगों को स्कूल के तरफ से वॉल्केनो दिखाने के लिए ले जाया गया था, वॉल्केनो का फिल्म दिखाने के लिए ले गया था, ठीक है? ₹4 उस दर में टिकट लगता था, ₹4 या ₹5 मुझे याद नहीं है, फिर भी वो टिकट दिया। बाबूजी बोले कोई बात नहीं है, चले तो जाओ देखने। देख के आए, 3 घंटे वहां देखे थे, लेकिन घर में 2 घंटे तक खिंचाई हुई। पहले ठीक है जो देखा, पहले वो समझाओ क्या था, वॉल्केनो होता क्या है, उसकी पूरी स्टोरी पापा ने पूछा मेरे से, बाबूजी बोलते थे हम लोग। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, इतना जो देखा उसका कंक्लूजन क्या है वो बताओ, ठीक है? जब भी पढ़िए कंक्लूजन निकालिए। एलसी ऑसिलेशंस में क्या होता है कि करंट जो है वो बढ़ता घटता है, यही कहने का मतलब है, ऑसिलेट करता है, ठीक है? तो कैसे, तो इस तरह का एक सर्किट बनाओ। सबसे पहले एक बैटरी ले लीजिए जी, ये इसको की से K1 की लगा दीजिए, इसके बाद इसको कैपेसिटर के साथ ज्वाइंट कर दो इस तरह से, फिर दूसरा K2 लगा दो, फिर यहां पे एक इंडक्टर लगा दो, ठीक है? और इस सर्किट में रेजिस्टेंस को नहीं लगाना है, ठीक है? इस तरह से ये सर्किट पूरा आपने तैयार कर दिया। सुनना मेरी बात, अगर मैं K1 को ऑन करता हूं, तो K1 को जब ऑन करूंगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा या नहीं होगा बताओ? Yes. तो कितना चार्ज होगा, उसकी एनर्जी कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, क्या फॉर्मूला होता है? Q2 / 2C। ये अभी एनर्जी कहां पे है बोलते चलो, कैपेसिटर में। अब K1 को कट कर दो, ऑफ कर दो, K2 को अभी ऑन नहीं किए हैं, तो भी सारा चार्ज एनर्जी कहां है, कैपेसिटर के अंदर है। अब K2 को ऑन करो तो क्या होगा बताओ? यहां से करंट जाएगा, इधर पास करेगा, इंडक्टर में करंट जाने लगेगा, यस और नो? तो इंडक्टर में जब करंट जाएगा तो उसमें इंड्यूस करंट होगी, और वो करंट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो अपोज जब करेगा तो उसको डिस्चार्जिंग करंट बोल सकते हैं हम लोग।
धीरे धीरे क्या होगा, इंडक्टर जो है वो अपना एनर्जी, इंडक्टर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एल आई स्क्वायर। समझी मेरी बात, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो पहले बेटा। कैपेसिटर चार्ज हुआ, बैटरी हटा दिया है मैंने, उस कैपेसिटर ने अब इंडक्टर को क्या किया, इंड्यूस किया। फिर वो जब इंडक्टर इंड्यूस हो गया एनर्जी, अब हमने फिर क्या किया, वो फिर एनर्जी जो है इंडक्टर फिर क्या करता है, कैपेसिटर को देता है। समझ रही है? तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उधर दिया, मैग्नेटिक एनर्जी, वहां मैग्नेटिक एनर्जी फिर स्टोर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अगर मान लो इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, क्योंकि खत्म तो होगा ही नहीं ना। कैपेसिटर ने उसको चार्ज किया, उसने उसको चार्ज किया, इसने उसको, उसने इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मान लो ये खत्म नहीं हो तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये क्या होगा, हमेशा ये फ्रीक्वेंसी सेम सेम रहेगा, कभी खत्म नहीं होगी उसकी, उसकी करंट की फ्रीक्वेंसी या ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कभी खत्म होगी क्या? अगर ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूं, क्या कभी खत्म होगा क्या? तो ऐसे ऑसिलेशंस को कौन सा ऑसिलेशंस कहते हैं, अनडैम्ड ऑसिलेशन। अच्छा बताओ तुम लोग ऐसा चाहते हो या नहीं, तुम्हारे घर में एक बार बिजली आ जाए और उसके बाद कभी जाए ही ना, पता चला ट्यूबलाइट ऑन हो, ट्यूबलाइट से हम लोगों में हो गया, हम लोग फिर ट्यूबलाइट को ये करने लगे, कितना मजा आ जाए ना। अनडैम्ड ऑसिलेशन अगर ऐसा होने लगेगा तो इसको अनडैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर सर्किट का एक ना एक रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस होता है तब कैसा कैसा बनेगा जी, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, ईएमएफ, और उसकी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ क्या होगा, ऐसे इसको इसको क्या कहते हैं पता है, उसको कहते थे अनडैम्ड ऑसिलेशन, तो इसको क्या कहते हैं, डैम्ड ऑसिलेशंस, डैम्ड ऑसिलेशंस। कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी खत्म होने लगेगी, एनर्जी फिनिश होने लगेगी। तो कहने का मतलब मोस्टली ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस है तब बहुत बाद में रेजिस्ट क्या होता है, लूज होती है एनर्जी, अदरवाइज इसमें एनर्जी रहता है। तो इसको ही क्या कहते हैं, एलसी ऑसिलेशंस कहा जाता है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दी है, ये सारे आप पढ़ के आइएगा। अब तुम कहोगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यू नो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, लिख लीजिए इसको, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। नाउ क्वेश्चन 17 पढ़ के सुनाइए। व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर? वेरी गुड, यू नो जी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, यस और नो? तो अंडर रूट 45 स्क्वायर प्लस एक्स एल कितना है, 4, एक्स सी इज ऑल्सो 4, तो 0 हो गया, तो ये क्या बचा, 45 ओम। नाउ रीडिंग ऑफ अमीटर, ठीक है, रीडिंग ऑफ द अमीटर इज इक्वल टू, यू कैन से आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन सी, ई आर एम एस कितना है 90, जेड की वैल्यू 45, दोनों को कट कर दीजिए, कितना हो गया 2 एम्पियर। नाउ रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी इंटू आई आर एम एस, वोल्ट मीटर इसी का नाम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो एक्सएल और एक्ससी के बीच का ही मेजर करेगा ना, तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 वोल्ट बताएगा। क्लियर है? सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश, कमिंग क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रेजोनेंस क्या है, क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, एवरेज पावर, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या सीखेंगे पता है, अगर आपके घर में 0 वॉट का बल्ब लगा है तो बताओ उसमें बिजली बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जब 0 वॉट है तो नहीं आना चाहिए, तब तो ऐसा करते हैं इस दिवाली तुम अपने घर में 4000 0 वॉट का बल्ब लगा देना। अब बिजली बिल वाला जब आए मांगने के लिए, बोलना भैया मैं 0 वॉट का बल्ब लगाया मैंने,
ठीक है, तो याद रखना बिजली बिल का लगेगा आपको, तो क्यों लगेगा ये सारी कमिंग क्लास में डिस्कस करते हैं। इसलिए मैंने क्या कहते हैं कीड़ा तुम्हें पैदा कर दिया, कमिंग क्लास में सीखेंगे कि 0 वाट बल्ब लगाने के बाद भी बिजली बिल आता है। टिल देन बाय एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।